सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसा ऐप के बारे में जो अभी तेज़ी से वायरल हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, अभी जो तेज़ी से वायरल हो रहा है ऐप, उसका नाम है फेस ऐप। शायद आपके मोबाइल में भी वो फेस ऐप हो सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि फेस ऐप का यूज करने का सही तरीका क्या है, और फेस ऐप यूज करके किस तरह से फोटो का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों, अगर आप एडिटिंग टाइप के वीडियोस देखने के शौकीन हैं, अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप के लिए अगर फोटो एडिट करना चाहते हैं तो किस तरह से एडिट करते हैं वो उसका दोस्तों मैंने वीडियो बनाया। वो मेरा दूसरा चैनल है एडिटिंग का, विशाल एडिट्स के नाम से। आप अगर यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा, नहीं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको एडिटिंग, फोटो एडिटिंग वाला आई बटन में भी मिल जाएगा आपका उसका लिंक। तो बात करते हैं फेस ऐप के बारे में। तो सिंपली सा फेस ऐप के लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप प्ले स्टोर में आने के बाद आप फेस ऐप सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। मेरा ऊपर में ही होगा फेस ऐप, आप देख सकते हैं फेसी। फेस ऐप देखिए दोस्तों, आपको जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर में ही फेस ऐप आ गया है। तो मैंने इसको इंस्टॉल कर चुका हूं, अभी अपडेट का वर्जन आ गया तुरंत, तो मैं इसको अपडेट अभी नहीं करूंगा क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं फेस ऐप का सही तरीका से यूज कैसे करें। यहां दोस्तों, फेस ऐप का यूज़ कैसे करें। दोस्तों, ये ऐप भी नॉर्मल ऐप का तरह ही है, लेकिन इसका कुछ तरीके हैं यूज़ करने के लिए। उसके लिए हम सबसे पहले फेस ऐप पे क्लिक करेंगे। देखिए इस तरह से फेस ऐप पे क्लिक किए, उसके बाद देखिए कुछ इस तरह से मेरा इंटरफेस आ गया। सबसे ऊपर में आपको गैलरी का ऑप्शन आएगा, फिर फेसबुक, फिर क्लिप्स, फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमरा का भी ऑप्शन है। तो दोस्तों, अभी मैं फिलहाल आपको गैलरी में जाके आपको एक फ़ोटो एडिट करके दिखा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, एक फ़ोटो इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे हम। यहाँ पे आने के बाद देखिए, अब मेरा ट्रांजेक्शन शुरू है, प्रोसेस द फोटो। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मेरा फोटो यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है स्माइल्स, इम्प्रेशंस, एज, बियर्ड्स, हेयर कलर, हेयर स्टाइल, मतलब बहुत सारा इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि आप कौन कौन सा इसमें यूज करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्माइल पे क्लिक करेंगे। स्माइल पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा आपका स्माइल का ऑप्शन दिया हुआ है, आप कौन सा लीजिएगा। तो हम एक टू लेके देखते हैं क्लासिक का। तो क्लासिक लेने के बाद उस पर आप क्लिक कीजिएगा। सिंगल क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ये मेरा हो गया है इंप्रेशन, ये इस तरह का। देखिए यहाँ पे नीचे में अप्लाई का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका हो जाएगा। उसी तरह आप ये सब भी यूज कर सकते हैं। तो मुझे अभी ये नहीं करना है, मैं आपको कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ आता है इंप्रेशंस का, तो इस पर क्लिक करते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह से आपका आ गया है, सब प्रो में है, मतलब यहाँ पे सब। आप देखिए, आप दोस्तों यहाँ पे आपको दिखा रहा है, यहाँ पे आप इसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद आते हैं दोस्तों यहाँ पे देखिए बियर्ड्स का। बियर्ड्स के बाद एज पे आएंगे तो सही रहेगा। सबसे पहले हम बियर्ड्स पे क्लिक करेंगे। बियर्ड पे क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से बियर्ड दिया हुआ है, आपको जो पसंद है उसको क्लिक कीजिए। तो मैं सिंपली एक टू लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए मेरा बियर्ड सिलेक्शन हो गया है। उसके बाद हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद देखिए मेरा हो गया है। उसके बाद यहाँ पे एज है, तो एज पे क्लिक करेंगे। एज पे क्लिक करने के बाद आपको कौन सा एज सिलेक्शन करना है, यंग एज या ओल्ड एज, तो ओल्ड एज पे देखते हैं। ओल्ड एज पे क्लिक करके, ओल्ड एज पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे हो गया है मेरा, ये ओल्ड एज का है। तो यहाँ पे अप्लाई करने के बाद ये हमारा सेव हो जाता है। तो दोस्तों, उसी तरह से आप देखिए ये हेयर कलर है, हेयर स्टाइल है, ग्लासेस है, आप बहुत सारा इसमें ऑप्शन दिया हुआ है तो आप यूज कर सकते हैं। चलिए हेयर स्टाइल करके दिखाता हूँ। हेयर स्टाइल ये मेरा, हेयर स्टाइल पे क्लिक करने के बाद देखिए ब्लैक ऑफ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ब्लैक हो जाएगा। नेट का प्रॉब्लम दोस्तों, याद रखिएगा, ये जब भी कीजिएगा तो आपका नेट फास्ट होना चाहिए। देखिए अभी मेरा हो गया है, बियर्ड मेरा वाइट है और बाल हेयर मेरा ब्लैक हो गया है। तो उस तरह ये भी है, तो अभी कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने के बाद देखिए हेयर स्टाइल का बात आता है। हेयर स्टाइल में भी आप जो ले सकते हैं, आप बहुत सारा हेयर स्टाइल भी दिया हुआ है तो आप जो ले सकते हैं लीजिए। उसके बाद यहाँ पे ग्लासेस का ऑप्शन है, देख सकते हैं आप, ये ग्लास लगा लेता हूँ। देखिए नहीं, सेट नहीं हुआ मेरा फेस पे, फिर भी इस तरह से आप सेल्फी लीजिएगा तो उस पर आपका ये काम आएगा। तो इसको कैंसिल करने के बाद देखिए यहाँ पे फिल्टर्स है, यहाँ पे ब्लूर है, बैकग्राउंड है, बहुत सारा इसमें दिया हुआ है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए मैं आपको पहले ब्लूर करके दिखा देता हूँ। यह है ब्लूर का ऑप्शन, इस पर ब्लूर के देखिए मेरा बैकग्राउंड ब्लूर हो गया है, तो इसको कैंसिल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिल्टर का है, फिल्टर्स का ऑप्शन, इस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए ये हो गया है,
को आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद ये हो गया आपका, इसको भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसी तरह आप पूरा अप्लाई कर सकते हैं, इसमें पूरा दिया हुआ है हर तरह का एडिटिंग का। तो उसके बाद आता है यहाँ पे ओवरले। ओवरले में आप ये देखिए, ये आपका लाइट का इसमें देता है, आप कहीं भी लाइट सेट कर सकते हैं। देख सकते हैं आप किस तरह से मेरा लाइटिंग चल रहा है, तो इसको कैंसिल कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें यह टैटू का ऑप्शन है, आप टैटू जो टैटू लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। टैटू तो अच्छा लगेगा नहीं, वो तो बॉडी पे अच्छा लगता है। देखिए मेरा टैटू एकदम बकवास लग रहा है। तो इस तरह से आप बहुत सारे इसमें टैटू दिया हुआ, आप जो मर्जी वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद यहाँ पे देखिए ये क्रॉप का ऑप्शन है सबसे लास्ट में ये, उसके बाद एडजस्टमेंट है, उसके विंटेज है, तो विंटेज पे क्लिक करेंगे। देखिए अब ये पूरा जितना हम चाहेंगे उस हिसाब से ये हो जाएगा, ब्लैक करेंगे, वाइट करेंगे, जो करेंगे वो हो जाएगा। तो मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ। उसके बाद आता है लास्ट में आता है एडजस्टमेंट का। तो एडजस्टमेंट देखिए आप, देखिए कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रास्ट है, सिचुएशन है, इस तरह से टेम्परेचर है, तो देखिए इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो मैं भी इसको कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद देखिए लास्ट में आता है यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन, आप इसको क्रॉप की तरफ से भी कर सकते हैं, इसको और भी छोटा कर सकते हैं, आप फेस भी ले सकते हैं या उसको बड़ा करके आप हिसाब से ले सकते हैं। तो आप जिस तरह से आपको सुविधा हो कीजिए। उसके बाद हम कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आता है फन का। तो यहाँ पे आप देखिए फन का ऑप्शन आने के बाद देखिए यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ, ये मेरा यंग का है, ये एच डी यंग है, ओल्ड यंग एच डी है, मतलब इस तरह से आप हेयर स्टाइल सब कुछ इसमें दिया हुआ है, आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लेआउट्स का है, तो लेआउट्स पे क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से आप तीन चार का ग्रुप बना सकते हैं इसमें, तीन चार फोटो का, कॉलेज है, डुअल डबल कर सकते हैं, मिरर की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये लेंस है, आप देख सकते हैं जहाँ मर्जी हो आप वहाँ सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप सही तरीके से आप एडिटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा ऐप है, आप इसका यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको यूज करने से। तो दोस्तों इस तरह से हम आप वीडियो एडिटिंग कर सकते, सॉरी फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। मैंने इसमें बहुत सारा फोटो एडिटिंग किया हूँ, ये स्पेशली फेसबुक और व्हाट्सअप इंस्टाग्राम में बहुत सारा अभी चल रहा है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं गैलरी में, उसके बाद यहाँ पे आप फेसबुक पे भी क्लिक करके फेसबुक ऑन करके फेसबुक से लॉगिन कर सकते हैं, या सेलेब से अगर है तो उससे भी आप, सेलेब में हैं तो उससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेलेब के साथ कर सकते हैं, देखिए विराट कोहली, एम एस धोनी, सनी लियोन, सलमान खान, मोदी, टैक्सी, आलिया भट्ट, बहुत सारा इसमें दिया हुआ है, ऑल एक्ट्रेस सब इसमें दिया हुआ है। तो इस तरह से आप फेस ऐप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे आप हमारे नए हैं तो उन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि इस तरह से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।